सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस सिस्टम की कोटेदारों की एक अहम भूमिका होती है, लेकिन यह कोटेदार लंबे वक्त से सरकारी बेरुखी से परेशान है। अपनी मांगों को लेकर ये सभी कोटेदार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी हजारों राशन वितरकों ने आज दिल्ली के जंतर मंतर में जमकर प्रदर्शन किया। राशन वितरकों की मांग है कि सरकार पूरे देश में एक राष्ट्र एक कार्ड की जिस नीति को लागू करने की कोशिश कर रही है वो पूरी तरीके से गलत है और उसे तत्काल बंद करना चाहिए। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि अगर देश में एक राशन कार्ड की नीति को लागू किया जा रहा है तो सभी राज्यों के कोटेदारों को फायदा भी एक जैसा होना चाहिए। कोटेदार अपनी आठ मांगों के लिए जंतर मंतर पर जमे हैं और सरकार के खिलाफ में आर पार की लड़ाई के मूड में भी दिखाई दे रहे हैं। तो कोटेदार अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज वन इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने बातचीत की है, आप खुद सुनिए इस मसले पर राशन कोटेदारों का क्या कुछ कहना है। राशन विक्रेता करता है वही काम कन्याकुमारी का राशन विक्रेता करता है, वही काम कश्मीर का राशन विक्रेता करता है, तो सबका कमीशन एक होना चाहिए। हमको 30,000 रुपए मासिक इनकम की गारंटी होनी चाहिए और 250 रुपए कमीशन हमारा होना चाहिए। इस मांग को लेके हम लोग 2 तारीख से यहाँ प्रदेश वाइज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पाए हुए हैं। सवाल ये है कि पीडीएस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सरकार उसको आधार के साथ कनेक्ट कर रही है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि जो है डीबीटी जो है सीधे आपके खातों में जाना चाहिए, आप उसका विरोध कर रहे हैं। क्या इन सुधारों का विरोध क्यों? ये सुधार कहाँ है? आज अगर आप देखे तो देश की जनता परेशान है। 60 साल या 55 साल की बुजुर्ग महिला जो हमारे यहाँ कोटेदार राशन लेने के लिए आती है, ई पोस मशीन जो हमें दे रखी है उनका फिंगरप्रिंट उसके ऊपर आता नहीं है और हम उसे वापस भेज देते हैं। अब आप ये बताइए कि उसमें उसका फायदा है या उसका नुकसान है? जो आदमी राशन लेने के लिए आ रहा है पहले हम उसे रजिस्टर पर चढ़ा के बकायदा उसके राशन कार्ड पर एंट्री करके अपने रजिस्टर पर साइन करवा के उसे राशन दे दिया करते थे। आज उसे लाइनों में लगना पड़ा घंटा कर, 2 घंटे लाइन में लगने के बाद जब वो बुजुर्ग 3-3 घंटे बाद जब वो बुजुर्ग लेडी अंगूठा लगाने के लिए आती है तो उसका फिंगरप्रिंट नहीं आता। परिवार के लोगों के इनकी फीलिंग नहीं है। सरकार ने हमें ई पोस मशीनें तो दे दी, अब आप एक बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा घोटाला ई पोस मशीन से हुआ उसकी जवाबदेही कौन है? बेचारा राशन वाला जो 5वीं 6ठी क्लास का या 7वीं 8वीं क्लास या हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि वो मल्टीप्लेक्स मोबाइल को खोल कर दोबारा बांध देगा? जबकि कोर्ट वर्ल्ड जो मशीन का होता है जो ऑपरेट करते हैं हमारे अधिकारी करते हैं। आज हमारे कोटेदारों के ऊपर 4200 कोटेदारों के ऊपर तो उन्होंने FIR दर्ज कर दी, लेकिन किसी एक भी अधिकारी का जिसका पासवर्ड उसके अंदर यूज हुआ है एक भी आदमी के ऊपर उन्होंने कभी कोई FIR दर्ज देते हैं। 70 रुपए कमीशन देते हैं, 100 रुपए में कितना होता है? अगर एक कोटेदार को 100 क्विंटल मिलता है तो 7,000 रुपए हुए जाकर के, और 7,000 रुपए में वो कितना अपना कर पाएगा? एक अपना मजदूर रखता है, एक चढ़ाने वाला होता है, 2-3 लोग वितरण करते हैं, पूरे महीना भर चलता है, 7,000 रुपए में उसका गुजारा हो जाएगा? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार क्या बिल्कुल अंधी, उसको दिखाई नहीं पड़ता कोटेदारों की समस्या? सबसे कोटेदारों पर हमेशा ये आरोप लगता है कि कोटेदार राशन चोरी करता है, कोटेदार राशन को मार्केट में सेल करता है, करप्शन का बार बार आरोप लगता है, लेकिन आप लोग खुद आर्थिक जो है समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो विकल्प क्या है इसका? हम लोग इस समय एकदम बिल्कुल योगी सरकार ने हम लोगों को ईमानदारी के रास्ते पर ला दिया है, और मैं अपना जो श्रम करते हैं जो उनका आदेश है कि 300 दिन दुकान खोल करके बैठा जा और चावल तेल और गेहूं का वितरण किया जाए तो हम लोग उनका अनुपालन करते हैं, लेकिन 300 दिन अगर दुकान हम लोग खोल कर बैठ रहे हैं तो हमारा कैसे परिवार का भरण पोषण होगा? और हम लोग बैठने के लिए तैयार भी हैं लेकिन उसी के हिसाब से हम लोगों को पारिश्रमिक सरकार को देना चाहिए। हम लोगों की यही मांग है कि हम लोग को पारिश्रमिक दीजिए, हम लोगों का कमीशन बढ़ाइए, भत्ता दीजिए ताकि हम लोगों के परिवार का हो गुजारा हो, और 300 दिन जो दुकान खोल करके बैठने का आदेश है उसके एवज में हम लोग को पारिश्रमिक मिले। कितना देते हैं? 70 रुपए कमीशन। सिस्टम के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए जो है, आखिर वजह क्या है? उसका मेन कारण है कि खाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक बिल का जो एक्ट बना हुआ है उसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि राशन डीलर से ही खाद्यान्न का वितरण कराया जाए, उसको डीबीटी न किया जाए। वो एक राष्ट्र एक कार्ड करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उसके साथ में भारतवर्ष में तब फिर एक मानदेय और एक कमीशन भी हो जाए। ई पास मशीन लगाई गई है, पूरी ईमानदारी से वितरण कर रहा हूँ, ई पास मशीन से 100% खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट तंत्र
भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, इन लोगों के कारण से हमारा राशन रिजल्ट जूझ रहा है, उसके ऊपर FIR कराई जाती है। ई पास मशीन पूर्णतया फेल है, इसको हटाया जाए, जैसे पहले ही मैनुअल से वितरण कराया जाता था उसी प्रकार से वितरण कराया जाए।